मंत्री बनने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे जेपी दलाल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा कर गुटबाजी के चलते कांग्रेस की जमानत जब्त होने की भी बात कही। दरअसल जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और समर्थकों से मुलाकात भी की। इस दौरान काफी लोग वित्त मंत्री बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। वहीं जेपी दलाल ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ऐसा है कि एक तरफा खाली ग्राउंड है, किसी के कैंडिडेट आए ही नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट जो हैं डिक्लेयर हुए, कितने दिन हो गए, अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है, जनसभाएं चल रही है मुख्यमंत्री की, हमारी भी छोटी बैठकें चल रही हैं। एक तरफा माहौल है, सब लोगों ने फैसला कर रखा है कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। हरियाणा में फिर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह से जिलाध्यक्ष में उनके झगड़े होते होते 10 साल फैसला नहीं कर पाए थे, मुझे लगता है कि कैंडिडेट के भी इसी तरह से झगड़े होते रहेंगे, मिल बांट करके फिर कैंडिडेट दे पाएंगे जिनकी जमानतें जब्त होंगी। ये सारे देशवासी हैं, कोई हर आदमी कोई ना कोई कभी न कभी किसी न किसी पार्टी में रहा हुआ है। बीजेपी वो पार्टी है जो 2 MP से लेकर आज पूरे 300+ में बैठी है और इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि 400 पार का नारा आम जनता दे रही है। कांग्रेस जो घटती 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 50 सीट भी नहीं ले पा रही है, तो कांग्रेस को अपना देखना चाहिए। कांग्रेस लड़ाई 1 सीट भी जीतने की नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि आपस में फैसला कर दे, जो तो अलग अलग धड़े हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई कर ले। लोकसभा के चुनाव है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी से सूर्य समाचार के लिए इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।